आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित उम्र का पड़ाव पार करना आवश्यक है। लोग सोचते हैं जब कोई बालक जन्म लेता है तो किशोर अवस्था होने तक सभी लोग कहते हैं कि ये तो इसकी खेलने खाने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। उसके कुछ समय के बाद में जब वह किशोर बन जाता है तो कहते हैं कि ये तो अभी तो इसकी नौकरी करने की और भौतिक सुख सुविधा भोगने की उम्र है। फिर जब अधेड़ हो जाता है तो लगता है कि बस अब घर में बच्चे हैं हमारे, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी है। और उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, तो लगता है कि अच्छा अब धर्म करना चाहिए, अब हमें आध्यात्मिक जीवन अपनानी चाहिए। लेकिन उस अवस्था में एक उम्र के पड़ाव को पार करने के पश्चात अगर हम ध्यान में बैठना चाहें तब भी नहीं बैठा जाता। कहते हैं घुटने जवाब दे जाते हैं, कमर गर्दन जवाब दे जाती है, ढंग से नहीं बैठा जाता। अगर हम चाहें कि हम आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकें, आँखें जवाब दे जाती है, ढंग से दिखाई नहीं पड़ता तो पढ़ेंगे कैसे। अगर हम चाहें कि हम सेवा कर लें भौतिक शारीरिक रूप से, तो शारीरिक सेवा करने के लिए, श्रम करने के लिए भी शरीर में ताकत होनी आवश्यक है, तो वो भी नहीं हो पाती है। तो उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने के बाद में हमसे कुछ हो नहीं पाता है और हम सोचते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हम तब करेंगे जब हम शारीरिक दृष्टि से सबसे अधिक दुर्बल हो जाते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि उस अवस्था तक भी कोई पहुंच पाए, क्योंकि वाणी का कथन है, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। एक बार क्या हुआ कि नारद जी विष्णु भगवान को कहते हैं कि भगवान आपके बहुत सारे भक्त हैं जो आपको देखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आप चाहे तो उनको अपने पास बुला सकते हैं, आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं है, संसार में सब लोग कितने दुखी हैं, आप उनको बुला लीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं नारद, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता है, तुम्हें लगता है कि वो दुखी हैं और मेरे पास आना चाहते हैं जबकि ऐसा नहीं है। नारद जी ने कहा कि नहीं भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रतिदिन पृथ्वी लोक में जाता हूँ, सबकी स्थिति देखता हूँ, सब लोग ये कह रहे होते हैं कि भगवान उठा ले ऐसे जिंदगी से, तो हमें अपने पास बुला ले, तो सब लोग चाहते हैं आपके पास आना। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ, जाकर के पूछो और जो मेरे पास आना चाहे उसको तुम ले करके आओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। नारद जी गए, जैसे ही पृथ्वी लोक पर पहुँचते हैं सबसे पहले जो उन्हें व्यक्ति मिला वो प्रार्थना कर रहा था भगवान के सामने कि हे भगवान इतनी तकलीफ है जीवन में, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है, तुम मुझे अपने पास बुला ले। नारद जी पहुंच गए बुलाने के लिए, तो कहा कि चलो भगवान ने तुम्हें बुलाया है। कहते सभी हैं अपने जीवा से कि हे भगवान मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन जाना कोई चाहता नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो थोड़ा दुखी होकर के, संसार से दुखी था इसलिए मैं परेशान था, तो मैं ऐसा बोल रहा था, वैसे मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी तो मैंने दुनिया देखी नहीं, अभी तो मैं किशोर हूँ, अभी तो मैंने दुनिया के सुखों को भोगा ही नहीं, तो अभी मैं नहीं आऊँगा, आप अगर ले जाना चाहते हैं मुझे तो कुछ समय के बाद में आ जाइए। नारद जी लौट करके गए, कुछ समय के बाद लौट करके आते हैं तो वो व्यक्ति अब अधेड़ हो चुका है, क्योंकि नारद जी का जो कुछ समय है धरती में तो बहुत अधिक समय बीत चुका है, वो व्यक्ति अधेड़ हो चुका है, उसका विवाह भी हो चुका है और उसके बच्चे हैं घर में खेल रहे हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तो तुमने, नारद जी ने कहा कि अब तो तुमने सांसारिक सुख भी भोग लिया है, अब चलो। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हुई, अभी तो मैंने नाती पोतों का मुंह नहीं देखा है, तो अभी मैं नहीं आऊँगा, आप कुछ समय के बाद आइए। नारद जी कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं कि अब वो जो उसके बेटे थे उनकी भी शादी हो चुकी है, घर में उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा अब तुमने पोतों का मुँह भी देख लिया है, अब चलो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए नारद जी, मेरी जो बहुएं हैं वो लापरवाह है,
घर का दरवाज़ा खुला छोड़ करके चले जाते हैं। अगर कोई जैसे घर में कुत्ता रखा हुआ है, कुत्ता पाला हुआ है, वो अगर मेरे बच्चों को काट दे, कोई सांप वगैरह काट दे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप कुछ समय के बाद आइए। फिर नारद जी गए, कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो व्यक्ति है नहीं। ध्यान दृष्टि से देखा तो उसके अंदर की जो चेतना थी, उसका जो जीव था, वो एक बैल की योनि में पहुंचा है और वो बैल उसी घर के आंगन में खूंटे से बंधा हुआ है। तो अब उस बैल को कहते हैं कि अब तो तुम्हारा मनुष्य जीवन भी समाप्त हो गया है, अब तुम बैल की योनि में हो, अब तो चलो। उस बैल ने कहा कि नहीं, जो मेरा दूसरा जोड़ा है, क्योंकि हल चलाने में दो बैल लगते हैं एक जोड़े में, तो उस बैल ने कहा कि मेरा जो दूसरा जोड़ा है वो आलसी है, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो जिम्मेदारी पूर्वक काम कौन करेगा, मेरे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसलिए आप कुछ समय के बाद आइए। कुछ समय के बाद आए, अब चूंकि बैल की आयु कम होती है, अब वो बैल भी समाप्त हो चुका है। अब उन्होंने ध्यान से देखा, ध्यान दृष्टि से, तो पता चला कि वो उस कुत्ते की योनि में गया है और कुत्ता भी उसी घर में बंधा हुआ है। अब कहते हैं कि अब तो चलो, अब तो तुम कुत्ते की योनि में हो। तो उस कुत्ते के अंदर वाले जीव ने कहा कि देखिए, मेरे घर का दरवाज़ा कभी खुला रहता है तो चोर उचक्कों से मेरे घर की रखवाली कौन करेगा, इसलिए आप कुछ समय के बाद आइए। नारद जी कुछ समय के बाद आते हैं तो देखते हैं कि अब वो कुत्ता भी नहीं है। ध्यान दृष्टि से देखा तो पता चला कि एक गंदे से नाले में, घर के पास में एक गंदा सा नाला है और उस नाले में एक मेढक की योनि में है। अब मेढक तो ना घर की रक्षा कर सकता है, ना खेती कर सकता है। नारद जी ने कहा कि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो चलो, अपने परिवार के लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मेढक ने गुस्से में टर्राया और नारद जी को कहा कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं और तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला हूँ, कम से कम इस घर के सामने रह करके मैं अपने संतान को, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आते जाते देख करके खुश तो हो सकता हूँ। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक योनि से जीव दूसरी योनि में आता जाता रहता है, 84 लाख जन्मों के चक्र में भटकता है, लेकिन उसके बाद भी वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि इस ये जो मानव जीवन है इसको हमें उस परब्रह्म की प्राप्ति में लगाना है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में प्रश्न आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सभी लोग ये देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी सभी मनुष्य व्यवहार इस तरह से करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी की जिम्मेदारी उनकी हो और वो हमेशा इस संसार में रहने वाले हों, अपने परलोक की वह चिंता नहीं करते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो वैसी ही घटना देवचंद्र जी के साथ भी हो रही है। सभी लोग उनको समझाते हैं कि अभी तो तुम किशोर हो, इसलिए तुम्हें किशोरावस्था में भोगने वाले सुखों का तुम्हें भोग करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से भक्ति में धर्म की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। लेकिन उनको सिखापन देते देते सब लोग थक गए। देवचंद्र जी तो अंदर से निश्चय बना चुके हैं कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मेरे परब्रह्म, मेरे प्रियतम को अपने हृदय में बसाना है, उनको जानना है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं विदेश जाऊंगा और वहां जाकर के, विदेश का मतलब यह है कि पहले आज की तरह ये विशाल राष्ट्र नहीं था। आज के भारतवर्ष की स्थापना तो स्वतंत्रता के बाद हुई है, आज से लगभग 100-150 साल पहले भी छोटे छोटे राजे रजवाड़े हुआ करते थे और अपने राज्य को देश की संज्ञा देते थे और उस छोटे से राज्य के बाहर की जो सीमा है वो विदेश कहलाती थी। तो देवचंद्र जी चाहते हैं कि मारवाड़ से, उमरकोट से कहीं दूर जाएं। उनके नज़र में अभी कच्छ है कि मैं कच्छ जाऊँ और वहाँ जा करके खोज करूँ और कोई मुझे उपदेश दे दे, कोई मुझे ज्ञान दे दे।